हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज एंड करेंटली आई एम एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम। सो मेनी ऑफ यू वांट टू नो कि मेरे मार्क्स कितने आते थे लास्ट का जब 50-60 दिन बाकी था, जब मैं अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो लास्ट के टाइम पे मुझे कितने मार्क्स आते थे एंड मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर रहता था मेरा, किस तरीके से मैं परफॉर्म करती थी मॉक टेस्ट में, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो मुझसे, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि आपके कितने मार्क्स आते रहे, आप एक बार शेयर कर दीजिए ताकि थोड़ा हमें भी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अच्छा रहे कि चलो दीदी को इतना आता था तो इन्होंने अगर निकाल लिया तो हमारा भी निकल जाएगा। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आपको ये सारी चीजें इस वीडियो में शेयर करूं ताकि जो लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर जिनके भी कम नंबर आ रहे हैं एंड उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, शायद इस बार ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, तो उनको थोड़ा बहुत अपने ऊपर विश्वास हो जाए कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ एंड मेरा भी नीट में सिलेक्शन हो सकता है। पता है जब मैं अपनी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मेरा थर्ड ड्रॉप था, तीसरा ड्रॉप हो चुका था मेरा, तो कहीं ना कहीं जब ड्रॉप ईयर बढ़ता है ना तो ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है एंड हम खुद से भी बहुत ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि देखो लोग चाहे जो कुछ भी बोल ले, लोग चाहे आपसे जितने भी क्वेश्चंस कर ले, आपको अपने ऊपर वो भरोसा वो विश्वास बनाए रखना है कि मेरा हो जाएगा, मैं कर सकती हूँ। इफ़ यू आर अ ऑनेस्ट नीट एस्पिरेंट, अगर आप खुद से ईमानदार हो ना तो आपको किसी को भी कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप खुद को जवाब दो, बस अपने आप को सेटिस्फाइड रखो हमेशा कि अपने काम से कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं ऑनेस्टली मेहनत कर रही हूँ तो मेरा हो ही जाएगा। तो इस तरीके का आपको अपने अंदर माइंडसेट बना के रखना है, बाकी दुनिया क्या बोल रही है, आपके खुद के फैमिली मेंबर्स क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं रहना चाहिए, बस आपको अपने से मतलब रखना है। बस ये 50 दिन में ना अपने ऊपर बस कंट्रोल बनाए रखो एंड अपने आप को ना मतलब इस तरीके से प्रिपेयर करो कि लोग चाहे कुछ भी बोल ले, कितना भी खराब सिचुएशन आ जाए, लेकिन मुझे फोड़ना है तो फोड़ना है, मुझे कैसे भी करना है, बस ये वाला होना चाहिए। जहां तक मॉक टेस्ट की बात है तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि आप लोग में से काफी सारे लोग हैं जो अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किए हुए हैं। आई नो आपके कॉमेंट से भी पता लगता है कि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, इस डर से नहीं दे रहे हो कि बाप रे मेरा कम नंबर आ जाएगा तो कैसे मैं अपने आप को फेस करूंगा या फिर करूंगी, बहुत बुरा लगेगा, अपनी सच्चाई आगे सामने आ जाएगी। अरे सच्चाई सामने आएगी तभी तो लास्ट में जाके भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर अभी ही आप नहीं जान पाओगे कि आपकी कमियां क्या है तो आप फिर उस पर काम भी नहीं कर पाओगे, फिर आपका रिजल्ट का तो कोई बात ही नहीं आता है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो गाइस, अभी आपके पास 50 दिन है लगभग एंड इस 50 दिन में आपको कम से कम 30 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाने हैं। सीरियसली 30 नंबर मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप चाहो तो दे सकते हो। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एक एक दिन में दो दो मॉक टेस्ट भी देते हैं, मैंने खुद भी कुछ दिनों तक दिया है, तो आप लोग भी दे सकते हो। तो 30 मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट अभी से लगाने ही है। ऑफलाइन मोड में मॉक टेस्ट देने के लिए आप व्यास मॉक टेस्ट पेपर का भी यूज कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट पेपर को नीट कैटेगरी की टॉप एजुकेटर सी पाहूजा मैम ने डिज़ाइन किया है, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आपको टोटल 24 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिसमें कि 10 जो होगा वो फुल मॉक पेपर होगा, जिसमें कि पूरा सिलेबस से क्वेश्चन होंगे एंड 14 होंगे वो पार्ट टेस्ट होंगे। अब यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे ना आपको एक ऐसा बुकलेट मिलेगा जो कि नीट सप्लीमेंट्री बुकलेट है, जिसमें कि आपको वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करे गए हैं जो कि नीट एग्जाम में तो पूछे जा रहे हैं बट वो टॉपिक्स ने NCERT में नहीं दिए हुए हैं। तो उन सारे टॉपिक्स से आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल सारे पॉइंट दिए हुए हैं एंड उनसे क्वेश्चन भी इस बुकलेट में प्रोवाइड कराया गया है एंड आंसर की भी दिया हुआ है, ताकि आप उन सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो जो कि NCERT में नहीं दिया हुआ है। अब ये आपको यहाँ पे पूरा पार्ट टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टेस्ट में पूछा गया है। इसके बैक साइड में आपको एक QR कोड मिल जाएगा जिसको स्कैन करके आप इस मॉक टेस्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन को एक्सेस पा सकते हो। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे टोटल 24 मॉक टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, तो इस मॉक टेस्ट पेपर में ना मतलब आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे assertion reason वाले क्वेश्चंस भर भर के दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वाले, और साथ ही साथ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है वो भी इसमें बहुत सारा आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराया गया। अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो गेट OMR सीट जो कि सेम टू सेम NTA जैसा प्रोवाइड करता है नीट एग्जाम में वैसा ही है। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट पेपर को लेना चाहते हो ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। देखो जब मैं मॉक टेस्ट देती थी लास्ट के 50-60 दिन जब मेरे नीट एग्जाम के बाकी थे, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ मेरे हर मॉक टेस्ट में 600 प्लस नहीं आते थे, मेरे कई बार मेरे मॉक टेस्ट में 500 के करीब भी नंबर आए हुए हैं, मतलब
400 के आसपास भी मेरे मॉक टेस्ट में नंबर आए हुए हैं। मैं रोई हुई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। एंड जिस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं, इतना कम नंबर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई है। इवन कई बार मेरे 300 के करीब भी नंबर आए हैं, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन में, लाइक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था उस टाइम पे। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गई हूँ, फिर भी 500 के करीब में भी नंबर आ जाते थे, 400, 450, 500 इस तरीके के। एंड निगेटिव तो मेरे बहुत ज़्यादा होते थे। एंड ये जो एक प्रॉब्लम है ना निगेटिव हो जाने का, सिली मिस्टेक हो जाने का, ये नीट एस्पिरेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड आई नो कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ हो रही होगी कि आप अपने तरफ से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, एग्जाम देने भी बहुत ही सही तरीके से आप बैठते होगे, हर क्वेश्चन को पढ़ते हो अच्छे से, एंड सोचते हो कि नहीं इस बार तो निगेटिव नहीं होने देना है, इस बार एकदम से मिनिमम रखना है निगेटिव को, वन डिजिट में लाना है निगेटिव को। मेरे पापा हमेशा बोलते थे तुम अपने निगेटिव को डिजिट में लेके आओ, क्योंकि मेरे निगेटिव्स लगभग मतलब 30-32 के करीब जा चुके थे, मतलब मेरे 30-35 निगेटिव भी हुए हैं मॉक टेस्ट में। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे तो अपने निगेटिव पे कमांड करो एंड इसको वन डिजिट में लेके आओ, मतलब 1 to 10 में अगर तुम्हारे सिली मिस्टेक रहते हैं तो वो चलेगा, बट उससे ज्यादा अभी नहीं होना चाहिए। तो देखो मॉक टेस्ट में आप अभी मॉक टेस्ट लगाओ एंड कम मार्क्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, जब मेरे भी कम नंबर आते थे ना, 500 से भी कम आ जाते थे, तब मैं उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करती थी कि क्या कहाँ कमी रह रही है, कौन सा ऐसा चैप्टर है मेरा इस मॉक टेस्ट में, क्या गलती करी, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां पे मैंने पढ़ा भी था फिर भी मैंने क्वेश्चंस गलत कर दिया, गलत हो गया तो क्यों हो गया। ये आपको वाई का हमेशा आंसर निकालना है अपने तरफ से कि आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं। अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो सिली मिस्टेक भी क्यों हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार नहीं दो तीन बार पढ़ते हैं, बट फिर भी सिली मिस्टेक हो जाता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको क्वेश्चन को इतने अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में मतलब सिली मिस्टेक का कोई चांस ना रह जाए। दूसरी चीज की कैलकुलेशन मिस्टेक जो होता है वो भी सिली मिस्टेक में ही काउंट होता है। तो आप जब भी कैलकुलेट करिए ना कोई भी चीज को, तो मतलब आपका जो जगह होना चाहिए वो थोड़ा फ्रेश टाइप का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा मिस्टअप हो चुका है पूरे पेपर पे, इधर उधर हर जगह लिख चुके हो आप, तो वहां आप कैलकुलेट करोगे तो वहां गलतियां होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। एंड आप फिर से रीचेक भी नहीं कर पाओगे कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया था वो सही था या नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी कैलकुलेशन करो ना, तो उसको थोड़ा फ्रेश करो, साफ सुथरी होनी चाहिए कैलकुलेशन, ताकि आप उस क्वेश्चन को रीचेक कर पाओ। तो ये चीज मैं करती थी जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी, एंड कम नंबर आए हैं मेरे भी, तो जब भी आए हैं तो मैं देखती थी कि क्या गलती हो रही है, किस पॉइंट पे गलती हो रही है, कैलकुलेशन में तो नहीं गलती हो रहा है, यूनिट में तो नहीं गलती हो रहा है। तो मॉक टेस्ट से हमें यही सारी चीजें पता लगानी होती है कि आखिरकार हमारी कमियां, हमारे तरफ से क्या कमी रह जा रही है, कहां पे हमारे एफर्ट्स उतने नहीं हो पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हमारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ जा रहे हैं। तो ये चीज आपको भी फाइंड आउट करना है। अभी भी एक समय है, 50 दिन काफी ज्यादा नंबर है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा नंबर है, 50 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। जिन्होंने तो अपना सिलेबस अभी कंप्लीट कर लिया है, लगभग 70-80% हो चुका है, उनको तो अभी फ्रिक्वेंटली मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब आपको एक एक दो दो दिन छोड़ छोड़ के डेली मॉक टेस्ट देना है। एंड मैं भी किया करती थी, इवन मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ एंड फिर से बोल रही हूँ मॉक टेस्ट के लिए, कि आपके पास पिछले साल का भी अगर मॉक टेस्ट है, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपके पास पिछले साल का भी मॉक टेस्ट पेपर होगा, तो वो भी लगाया करो, इस साल भी लगाया करो। एंड इसके अलावा अभी जो पार्ट टेस्ट हुआ होगा आपका कुछ महीने पहले, उन सारे पार्ट टेस्ट को भी दिया करो, अभी फिर से 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितना बार मतलब आप जितना बार आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से इस मॉक टेस्ट में मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया है जो मेरे से अभी तक नहीं बन पा रहा है, तो आपको वो मॉक टेस्ट को देखते रहना है जब तक कि हर एक क्वेश्चन आपको खुद से बनाने ना आ जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको कई बार अपने मॉक टेस्ट पेपर भी दिखाए, ताकि आपको थोड़ा और वो लगे कि हाँ देखो दीदी ने इतने सारे मॉक टेस्ट को बहुत बार लगाया। मेरे पास लगभग मेरे तीसरे ड्रॉप में 100 के आसपास मॉक टेस्ट पेपर हो चुके थे। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व किया है, एंड एक मॉक टेस्ट पेपर को भी बहुत बार सॉल्व किया है, लाइक 3 बार 4 बार 5 बार। तो यही चीज आपको भी करनी है, बहुत सारे जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, लाइक आप इतने सारे अगर मॉक टेस्ट लगा लोगे तो लगभग
5-6 हजार के आसपास तो क्वेश्चन जरूर ही सॉल्व कर लोगे। एंड 6,000-7,000 जो नंबर है क्वेश्चन का, ये काफी अच्छा नंबर है। मतलब इतना क्वेश्चन को अगर आप बहुत ही अच्छे से करके नीट एग्जाम में जाते हो ना, तो आपका श्योर शॉट नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीजें करनी है, मॉक टेस्ट तो लगाते रहना है, अभी से लगाओ, जहां से मिल रहा है आपको बस एनसीईआरटी बेस्ड उसमें क्वेश्चन होना चाहिए। कहीं से भी आपको मिल रहा है ना, एलएन हो, आकाश हो, पीडब्ल्यू हो, कहीं से भी मिल रहा है तो आप उसको जरूर दो। एंड डेली नहीं तो कम से कम 2-3 दिन पे अभी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, लास्ट का 50 दिन बाकी रह गया है गाइस। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ आपको, एंड आई होप कि आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एंड जो चीजें मैंने आपको बताई आप उसको जरूर फॉलो भी करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। कुछ भी डाउट लगे तो मुझसे जरूर पूछना कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।